हाय, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार से हूँ, उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने जो डिफाइनाइट आर्टिकल द है उसके कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि द जो है तो यूज़ होगा, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक चीज़ के बारे में, या फिर किसी को ऑलरेडी हम पहले मेंशन कर चुके हैं तो उसलिए हम द लगाएंगे। जैसे कि गिव मी द बुक, अ बुक नहीं, गिव मी द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, जो कल तुमने खरीदी थी। तो उस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे। अब हम इसका ये देखेंगे कि जब कोई सिंगुलर नाउन, कोई एक सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है पूरी एक क्लास को, एक जमात को, कि जिसको एक नाम से वो डिनोट हो जाती है पूरी जमात, तो उस टाइम भी ये द का इस्तेमाल होगा। यानी कि हम इसमें दूसरी जो उसका रूल है वो लिखते हैं कि सेकेंड रूल ये है कि व्हेन अ सिंगुलर noun represents, जब कोई एक सिंगल नाउन में पूरी एक जमात, अ होल क्लास हो जाती है, रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यानी के एक हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे कि द लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, तो जो लोटस है तो यानी कि उसके अंदर पत्तियां हैं अलग अलग, लेकिन एक नाउन है द लोटस, तो एक जमात का मिलकर एक नाम है, इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। उसी तरह से द कैट लव्स कंफर्ट, तो ये एक जमात है जानवरों की, उसमें से एक कैट का टर्म लिया हुआ है, द कैट लव्स कंफर्ट। यानी सिर्फ एक कैट जो है, एक नाम लिया गया जिससे यह साबित हो रहा है कैट्स नहीं भी लिखा जाए कि बिल्लियों को कंफर्ट पसंद है, वहाँ पर सिर्फ एक द कैट लव्स कंफर्ट, कैट को कंफर्ट पसंद है, तो इससे डिनोट हो जाती है उसकी पूरी जमात, यानी पूरी बिलोंग्स जैसा करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई एक आदमी की वजह से पूरा धर्म भी बदनाम हो जाता है, तो उस तरह से वो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह पे कहते हैं कि अक्सर जो है तो ये नाम वाले इस तरह से गैर कानूनी कामों में पाए गए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है इंसानों में भी कि वो हर किसी का नेचर वैसे ही हो, लेकिन जब हम एनिमल्स की और जो दूसरे फ्लावर्स की इस तरह से बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने एक नाम भी ले लिया, लोटस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आपको लोटसेस या फिर कैट्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक नाम से भी वो पूरी उसकी क्लास, पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि टाइगर के बारे में कुछ आप कहते हैं, टाइगर इज़ अ फियर्सफुल एनिमल, तो टाइगर एक खौफनाक दहशतनाक एनिमल है, तो टाइगर यानी टाइगर्स लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे चीज़ों में जब आप पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। उसी तरह से नंबर थर्ड ये है कि द बनियान इज अ यूजफुल ट्री, द बनियान जो ट्री होता है, जो उसमें इज अ यूजफुल ट्री, ये बहुत यूजफुल ट्री है, तो उसमें यहाँ पर प्लस प्लूरल के लिए कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक अ सिंगल नाउन से होल उसकी क्लास, पूरी जमात जो है तो इससे डिस्क्राइब हो जाती है इस तरह से, तो उस जगह पर भी द का इस्तेमाल होता है। अब उसकी जो अगली रूल है जहाँ पर द लगेगा, वो हम देखते हैं कि बिफोर द फर्स्ट नाउन इन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह से जो फॉर्मूला है ये हम आपको लिख कर बता दें।
फर्स्ट जो पहला नाउन रहेगा बिफोर द फर्स्ट नाउन, तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली लिखना है इधर, तो बिफोर उसमें लगा देंगे हम कि उससे पहले जो फर्स्ट नाउन रहेगा तो बिफोर बिफोर द फर्स्ट नाउन, पहला जो नाम है नाउन तो कैसा रहेगा, उसका एक फॉर्मूला है इन नाउन रहेगा प्लस प्रीपोजिशन रहेगा और उसके बाद प्लस फिर नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन बेस्ड अगर आता है। एक इसकी एक मिसाल लेते हैं कैसे आएगा, द भारत ऑफ रामायणा, ये भरत जो रहेगा उसमें इज एन आइडियल ब्रदर, तो उसमें जो भरत है द भरत ऑफ रामायणा इज एन आइडियल ब्रदर, तो वो एक मिसाली भाई है। आइडियल ब्रदर, तो इसको ब्रो लिख देंगे आप। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नाउन भरत, भरत क्या है नाउन, नाउन यानी नाम, तो ये नाउन है। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं कि नाउन से पहले या फिर उसके एग्जैक्टली बाद में, इस तरह से लगता है कि जैसे कि का की के उसके ऊपर है, तो वो चीज़ जो डिनोट करने लगता है ऑफ फॉर, तो ये चीज़ हो गई प्रीपोजिशन। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर से अगर नाउन आता है दोबारा तो उस वक्त में उससे पहले लगेगा द, द भरत ऑफ रामायण, द दादी जो शाहीन बाग की जो दादी, उनका नाम टाइम्स मैगजीन में आया है 100 फेमस शख्सियत में, तो जो बिलखिस दादी है द बिलखिस दादी ऑफ शाहीन बाग, तो शाहीन बाग क्या है नाउन ऑफ प्रीपोजिशन वहाँ की, तो बिलखिस दादी नाउन ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद डबल से नाउन शाहीन बाग, शाहीन बाग क्या है वर्क नहीं है एक नाम है नाउन, तो इज एन आइडियल जो है, तो शख्सियत में से हम कह सकते हैं कि जैसे बासर शख्सियत में उनका नाम आया टाइम्स मैगजीन में, तो वो चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हैं इस तरह से कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसका जब कॉम्बिनेशन आएगा तो ये हो जाएगा, इसके साथ में द, द लगेगा फिर उस वक्त में, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, कि इंडिया का जो है तो गोल्ड फेमस है, तो आप वहाँ द लगा सकते हैं द गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, क्या ये काम है नहीं, क्या ये कुछ और एडजेक्टिव सिफत है, गोल्ड एक नाउन है, गोल्ड ऑफ इंडिया अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें जैसे आता है एक एग्जांपल है, यहाँ पर किसी की ब्रांडिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट में आता है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो द क्यों लगाया वहाँ पर, द अमूल ये नाम आया था, वैसे तो नाम उसके ब्रांड का था पहले, द टेस्ट, तो टेस्ट क्या है, टेस्ट एक हिसाब से कुछ चखने के हिसाब से एक वर्क में भी आता है और एक नाउन भी है, टेस्ट करना ये अलग है और जायका सिर्फ टेस्ट ये अलग है, तो द टेस्ट ऑफ प्रीपोजिशन इंडिया, इस तरह से द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। उसके बाद शी लाइक्स द स्वीट्स ऑफ जयपुर, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे शी लाइक्स, अब यहाँ पर द, द स्वीट्स ऑफ जयपुर, तो स्वीट्स क्या है नाउन मिठाई और ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद जयपुर भी क्या है नाउन, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये इसके हिसाब से जब भी आता है
उसके साथ में लगेगा द लगेगा। ये यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक मिले। थैंक यू वेरी मच।